अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? दोस्तों ने पूछा है मुझसे कि ये इजी पैसा और इजी लोड का बिज़नेस कैसा है। बिज़नेस अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है इसमें। ये है कि आप 15-20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा कमाई जो है ना वो नहीं होती। या आपकी शॉप बड़ी हो, आपके पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप इसमें इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। 1,000 रुपये की सिम आती है इजी लोड वाली। 5 नेटवर्क हैं, 5 नेटवर्कों पे 5,000 रुपये की सिमें आपको मिलेंगी। उसके अंदर आप 3-3 हज़ार रुपये का कम अज़ कम बैलेंस रखें। 5 या 15 हज़ार रुपये का बैलेंस, 5,000 की सिमें, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। 2 सिमें आप रखेंगे जैज़ कैश के लिए, वो भी कैश जिसे कहते हैं, और इजी पैसा के लिए। उसमें आप देख लें कि इजी पैसा काफ़ी ज़्यादा चलता है, वो भी कैश दूसरे नंबर पर है, तो उसमें आप लाख लाख रुपये रख सकते हैं। 2 लाख रुपया और 20,000 रुपया इजी लोड के लिए, 2,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। साथ में एक छोटा सा ऑफिस बनाएं, उसको थोड़ा डेकोरेट कर लें, एक काउंटर रखें, एक चेयर रखें, सामने फ्रंट पे कुर्सियां रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इजी लोड पे 1,000 रुपये पर आपको 28 रुपये बचत होती है। यानी अगर आप एक दिन में 10,000 रुपये का इजी लोड करते हैं तो उस पर आपको 280 रुपये मिलेंगे। हाँ, बचत होती है इजी पैसा पे, वो भी कैश पे, उस पर ठीक बचत होती है। मेरे ख्याल प्रॉफिट का 12% से 18% आपको मिल जाता है। कुल मिला के 500 से 600 रुपये आप कमा सकते हैं पर डे। इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपये में 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं एक जगह पर बैठ के। छोटी सी जगह पर, खूबसूरत सा काम है, जो दोस्त इसको करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन मैं जिस दोस्त ने भी ये काम करना है उसको ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो सिर्फ ये इजी लोड और इजी पैसा करे। साथ में मोबाइल एक्सेसरीज़, नए और पुराने मोबाइलों की खरीदो फरोख्त का काम ज़रूर करें, उससे अर्निंग अच्छी हो जाएगी। आप 25 से 30 हज़ार रुपया कमाना शुरू कर देंगे। काम अच्छा है, जिस दोस्त को भाई को पसंद आए वो ज़रूर करें। और मैं अलबत्त ये मशवरा मेरा मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि बिल्कुल नहीं दूँगा कि आप लोग जो है वो सिर्फ इजी लोड और इजी पैसा पे फोकस करें। साथ में मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल का लेन देन, इस पे ज़रूर फोकस रखें ताकि आपकी अर्निंग कुछ बेहतर हो सके। एक ही जगह पे बैठ के जब काम करना है तो फिर आइटम ज़्यादा होने चाहिए, आइटम कम नहीं होने चाहिए। सिर्फ इजी पैसा और इजी लोड पे गुजारा नहीं होता। आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते कि आप अपना घर या आप अपना किचन चला सकें। थैंक यू। शाहिद हुसैन जोया,